अगर आप ऑन रोड 1,99,400 का प्राइस मैंने आपको बताया, अगर आप 1 साल का कराते हैं तो आपका डाउन पेमेंट आएगा 67,378। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप देख सकते हैं हमारे सामने प्रेजेंट ऑल न्यू यामा MT-15 का वर्जन 2 वेरिएंट। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको हम इसका फाइनेंस ऑफर बताने वाले हैं, जो कि बेस्ट फाइनेंस ऑफर सभी आपको देखने को मिलने वाला है। तो जितने भी लोग MT-15 परचेस करने का प्लान बना रहे थे या किसी भी बाइक को अगर फाइनेंस कराने का सोच रहे थे, तो वो आज के इस वीडियो को देख ले, आपकी काफी हेल्प होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम फुल फाइनेंस डिटेल्स आपको बताने वाले हैं, मिनिमम डाउन पेमेंट क्या आएगा इस बाइक में और क्या ऑन रोड प्राइसिंग चल रहा है और क्या कुछ आपको ऑफर्स देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी आपकी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और बाइक अपडेट्स मिस ना हो जाए। ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं शिव शक्ति मोटर्स ग्रीडी में। तो अगर आप ग्रीडी एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप शोरूम में आकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस बाइक के रिगार्डिंग में या यामाहा के किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ का मतलब काफी एक अच्छा सेल्स का बंदा है, तो उससे हम पूरे डिटेल्स अभी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले तुम यहाँ जाओ, अपना इंट्रोडक्शन दे दो। हेलो गाइस, मेरा नाम निशांत प्रत्यूष है। मैं यमहा शिव शक्ति मोटो यमहा में सेल्स एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे कार्यरत हूँ और मैं आपको आज बताऊंगा कि MT-15 के क्या फाइनेंसिंग स्कीम्स हैं, आपके क्या EMI आएंगे और क्या डाउन पेमेंट रहने वाला है। तो जैसे कि सबसे पहले तो आपसे हम बात करना चाहेंगे इस मॉडल के बारे में, तो इसमें भी आपको टोटल में जो है वो 4 कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। ये है फ्रेंड्स व्हाइट वाला, जो कि मतलब सबसे ज्यादा सेल होता है, जिसे कि कंपनी बोलती है आइस फ्लो वर्मिलियन कलर, और ये मतलब देखा जाए तो काफी अच्छा लगता है। उसके पीछे फ्रेंड्स बिल्कुल लेटेस्ट कलर है, जो कि ग्रे एंड ग्रीन के कॉम्बिनेशन में है। इसमें एक कलर और आता है फ्रेंड्स, जो कि आपका रहता है ब्लैक में, और टोटल में आपको मतलब जो है 4 कलर ऑप्शंस मिलता है, एक ब्लू में आता है। तो अभी यहाँ पे 2 कलर ऑप्शंस प्रेजेंट है, अगर आपको चाहिए तो फ्रेंड्स आप चारों में से कोई से भी कलर को ले सकते हैं। प्राइसिंग जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है ना चारों कलर का। तो अभी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में। क्या ऑन रोड प्राइस है अभी? 199,400 199,400 ऑन रोड। अच्छा, तो ये जो मतलब ऑन रोड प्राइसेस है, इसमें मतलब सारा कुछ इंक्लूड है, हाइपोथिकेशन वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है ना। तो अभी अगर हम बाइक को जैसे फाइनेंस करवाने के लिए आते हैं, तो डॉक्यूमेंट सबसे पहले हमें क्या क्या लेकर आना होगा? डॉक्यूमेंट आपका पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, फोटो लगेगा, और फिर जो ATM रहता है, ATM बैंक पासबुक वगैरह वो सब। तो जैसे कि अगर काफी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है यहाँ जो तो काफी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि जैसे मतलब काफी लोगों के पास पैन कार्ड नहीं रहता है, तो उसको ऑप्शन कुछ आधार कार्ड दे सकते हैं या अपना घर का बिजली बिल का जो रहता है रेसिडेंटल एरिया का बिजली बिल है, उससे भी काम हो जाएगा। मतलब काम हो जाएगा। और मिनिमम एज क्या होना चाहिए बाइक फाइनेंस के लिए? अप्रोक्स 21-22 उसके अप्रोक्स में रहने से हो सकता है। मतलब जैसा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लोन के कंडीशन के हिसाब से आप ले सकते हैं, अप्रूव हो सकता है लोन। तो अभी अगर हम सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के लिए, तो हमारा डाउन पेमेंट कितना आ जाएगा मिनिमम? डाउन पेमेंट आपका अप्रोक्स 75 to 80 के अप्रॉक्स में डाउन पेमेंट आ जाएगा इस बाइक का। तो अगर हम 75,000 का डाउन पेमेंट करते हैं, तो मतलब EMI ऑफर्स हमें कितने मंथ्स तक का मिलेगा? मतलब मैक्सिमम लोन जो है वो कितने ड्यूरेशन तक होता है? 1 साल 2 साल 3 साल, मतलब 3 ऑफर्स हमें मिलता है। तो अगर हम जैसे मतलब 1 ईयर के लिए फाइनेंस करवाते हैं 12 मंथ्स के लिए, तो कितना EMI हमारा आएगा? अगर आप ऑन रोड 1,99,400 का प्राइस मैंने आपको बताया, अगर आप 1 साल का कराते हैं तो आपका डाउन पेमेंट आएगा 67,378। ठीक है, 1 साल का डाउन पेमेंट है ये, और आपका EMI आएगा 12,309 रुपये 1 साल के लिए। अच्छा, 12 मंथ्स के लिए। और अगर हम 24 मंथ्स के लिए करवाते हैं तो पड़ेगा 6,671 रुपया 24 महीने के लिए, 24 मंथ्स के लिए। और 36 मंथ्स के लिए? 4,811 4,811 रुपया 36 महीने के लिए, 36 महीने के लिए। और इसमें डाउन पेमेंट तीनों में सेम रहेगा? हाँ, डाउन पेमेंट आपका पड़ रहा है 67,378 अगर ये फाइनेंसिंग स्कीम रहा तो। तो ओवरऑल में मतलब ये मतलब अगर हम 67,000 के अप्रॉक्स में डाउन पेमेंट कर देते हैं तो बाइक्स जो है वो इजीली मिल जाएगी। और अगर इससे कम डाउन पेमेंट में अगर कोई लेना चाहता है तो कुछ उसका कुछ ऑप्शन है क्या? ऑप्शन वेरियस ऑप्शंस एप्लीकेबल है, जैसे कि आप HDFC बैंक से फाइनेंस करा सकते हैं, हमारे फाइनेंसर अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे। HDFC हो गया, ICICI हो गया, क्रेडिट वाइज कैपिटल से भी हो जाएगा। तो अपना मतलब सुनहरा मौका है बाइक लेने का, अभी हमारे पास स्टॉक भी अवेलेबल है। CN कलर आपको मिल जाएगा, आइस फ्लो मिल जाएगा, तो अपना आए बुकिंग कराएं और लेके जाएं, हमारा ही रहेगा। अच्छा, और जैसे मतलब ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं तो सभी कंपनीज का डाउन पेमेंट अलग अलग आता है या लगभग में सेम ही रहता है? देखिए बेसिकली क्या है, प्राइस का फर्क रहता है। जैसे कि आप MT की प्राइस देख रहे हैं तो 199-198 ऐसा ही प्राइस रहता है इसका। हाँ। तो इसका डाउन पेमेंट थोड़ा अलग आता है, और आप अगर FZS वगैरह लेना चाहेंगे तो उसका डाउन पेमेंट कम है, लिहाजा क्योंकि उसका प्राइस थोड़ा कम रहता है, 1.5 लाख के रेंज में उसका प्राइस है, तो आप 30,000 to 40,000 के रेंज में आप उसको फाइनेंस करा सकते हैं।
अच्छा, और मतलब जैसे ऑन रोड प्राइसेस कम होगा तो जो है वो मतलब आपका डाउन पेमेंट भी घट जाएगा, बट अगर एमटी का ही अगर हम देखते हैं तो मतलब कंपनी वाइज अगर वेरी करता है, जैसे अगर ये जो फाइनेंस ऑफर था ये कौन सी कंपनी का आपने बताया? ये HDFC बैंक है सर। HDFC का। तो अगर दूसरे हम कंपनी में जाते हैं तो डाउन पेमेंट और कुछ कम या ज्यादा हो सकता है क्या? हाँ, आगे पीछे वेरी करेगा, बाकी आपके ऊपर है कि आप कितना डाउन पेमेंट देंगे। अगर आप ज्यादा डाउन पेमेंट करेंगे तो आपका EMI कम आएगा और इंटरेस्ट भी कम लगेगा, और अगर आप लो डाउन पेमेंट करते हैं तो ऑब्वियस है कि आपका EMI बढ़ेगा और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ने का चांसेस है। तो फ्रेंड्स, ये था यहाँ पे एमटी का पूरा जो फाइनेंस ऑफर था वो। तो आज के इस वीडियो में यहाँ पे मैंने होप करता हूँ आपकी सभी डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गई हो। अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको बाइक फाइनेंस करवाना है तो आप फ्रेंड्स शोरूम में आकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बाइक जो है वो मिल जाएगी और फाइनेंसर भी यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, तो आप डायरेक्टली आकर जो है वो बात भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को कमेंट करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछ लें। तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।